तो चलिए अब आप लोग को कनक भवन दिखाते हैं, जो कैकेयी का कुप भवन था उसको दिखाते हैं आप लोग। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए अयोध्या में क्या क्या है और सारे चीज़ आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। और अयोध्या में भाई घूमना है तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल कर आए, बहुत अच्छा अच्छा जगह है घूमने के लिए। और 10 दिन घूमेंगे तो भी आप लोग पूरा घूम नहीं पाएंगे, वरना आप लोग का मन भरेगा, देख सकते हैं कनक कुंज के नाम से दुकान है। और आज जो है अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया है, जो 23,22,000 आसपास दीप जलाया गया है अयोध्या में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। देखिए अभी हम लोग कनक भवन में पहुंच गए हैं, सीताराम सीताराम देख सकते हैं, यही है कनक भवन, जो कैकेयी का कुप भवन कहा जाता था, देख सकते हैं आप लोग। और ये है श्री कनक भवनेश्वर महादेव मंदिर है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अंदर चलेंगे, यहाँ पे रामायण चल भी रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं कि कहीं का कुप भवन। तो चलिए कनक भवन अभी अयोध्या में चलते हैं जी। तो चलिए अभी कैकेयी के कुप भवन में चलते हैं, और चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ पे स्कैनर भी होगा, जो भी जाएंगे तो आप लोग इसके अंदर से जाएंगे। अबे भाई 8 बजे थी भाई। अभी देखिए कनक भवन में आ चुके हैं हम लोग, अभी अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पूजा हो रहा है, बार आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देते हैं। कनक भवन जो कैकेयी का कुप भवन था वही है, रामायण में आप लोग देखे होंगे। और इस कनक भवन में चारों तरफ सीताराम 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 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पूजा हो रहा है, यहाँ पे दीपोत्सव जलाया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए मंदिर के बाहर कुछ बोर्ड लगा हुआ वो आप लोग को दिखा देते हैं। और चलिए अंदर चलते हैं, और आ गए हैं अंदर, देख सकते हैं आप लोग। सिया सिया रामचंद्र जी की जय लिखा हुआ है, देख सकते हैं, फूलों से लिखा हुआ भाई, कोई हरदम हमेशा नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं फूलों से लिखा हुआ, क्या डिजाइनिंग करके लिखे हैं भाई, लिखने वाले को भी मानना पड़ेगा, देख सकते हैं। और कनक भवन की डिजाइन देखिए भाई, पहले का डिजाइन ही डिजाइन होगा, आज के ज़माने में बनाने में कितना पैसा खर्चा होगा, देख सकते हैं आप लोग।
कनक भवन है। कनक भवन थोड़ा दूर से आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इस कनक भवन में पूरा दीवार और कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे सीताराम सीताराम ना लिखा हो। देख सकते हैं ऊपर की डिजाइने देख सकते हैं। और देखिए बगल में दिखा देते हैं आप लोगों को सीताराम 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 कितना पुराना होगा। लगभग नहीं भी होगा तो अरे 1000 साल पुराना तो ही होगा। पता ना कब का राजा दशरथ जी जी। हाँ सेम टू रामायण में जो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे हकीकत में देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग सारी चीज़ रामायण में देखे होंगे। राजा दशरथ जी का महल एक ककई का कूप भवन है देख सकते हैं आप लोग। पूरा चारों तरफ की डिजाइन देख सकते हैं। और यहाँ देखिए सीताराम पूरा मंदिर का डिजाइन आप लोग को मिला। और यहाँ देखिए इसमें डिजाइन ही डिजाइन 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 देख सकते हैं चारों तरफ। तो दोस्तों अभी हम अयोध्या का कनक भवन यानी कि ककई का कूप भवन दिखाएं आप लोगों को। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक कनक भवन आप लोग रामायण में देखे होंगे जो ककई का कूप भवन था, तो इसके लिए क्या कमेंट करेंगे ज़रूर करिएगा जो भी करना हो। तो चलिए इस वीडियो करते हैं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए अयोध्या में आप लोग।